हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमेजिंग गार्डन ऑफ अंतिम। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बहुत ही शुभ प्लांट के बारे में बता रही हूँ और इस शुभ प्लांट का नाम जो है शमी प्लांट है, जो बहुत ही शुभ प्लांट माना जाता है। तो फ्रेंड्स, इस शमी के प्लांट को हम कैसे अपने टेरेस गार्डन पर या अपने घर पर उगाएं और इस प्लांट को किस दिशा में हमें उगाना चाहिए और इसकी असली पहचान क्या होती है, तो फ्रेंड्स हम सभी के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स, हम पहले तो इस प्लांट की बात कर लेते हैं कि जो शमी प्लांट है बहुत ही शुभ माना जाता है। इस प्लांट की जो है शनि महाराज के रूप में इस प्लांट की पूजा करी जाती है फ्रेंड्स, शनिवार के दिन। और शनिवार के दिन जो है सरसों के तेल का दीपक लगाकर और तिल चढ़ाकर इस प्लांट की पूजा की जाती है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आज शनिवार भी है और शनिवार के दिन ही मैं इस प्लांट की वीडियो बना रही हूँ। तो ये बहुत ही शुभ प्लांट है घर के लिए और शनि ग्रह के लिए भी इस प्लांट को शुभ माना जाता है। और घर में से ग्रो करने से फ्रेंड्स, उगाने से धन दौलत बनी रहती है, घर में रौनक बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, आप सभी भी इस प्लांट को जो है अपने घर में जरूर उगाएं। तो फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं इस प्लांट को हम कैसे ग्रो करें। हम इस प्लांट को जो है, मैं इस प्लांट को नर्सरी से लेके आई थी 30 रुपए में। और जब बहुत ही छोटा था, मैं इतना सा ही बड़ा इस प्लांट को लेकर आई थी नर्सरी से, और 2-3 महीने पहले ही इस प्लांट को मैं लेकर आई थी। तो फ्रेंड्स, हम इसे प्लांट को नर्सरी से लेकर भी ग्रो कर सकते हैं या फिर फ्रेंड्स हम इसकी ब्रांचेस से भी इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से इजी टू ग्रो हो जाएगा। बट फ्रेंड्स, इसकी ब्रांचेस जो है हमें बारिश टाइम में ही लगानी है तो ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी। और फ्रेंड्स, हम इसे इसके बीजों से भी ग्रो कर सकते हैं। इसमें फलियां बनती हैं और वो फलियां पक जाती है, उसके बीज पक जाते हैं, उसके बाद हमें जो है इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से हम इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, शनिवार के दिन तो इस प्लांट की पूजा होती ही है क्योंकि उस दिन शनि भगवान का वार होता है। और फ्रेंड्स, इसकी सबसे बड़ी पूजा जो होती है वो दशहरे के दिन मानी जाती है। दशहरे के दिन इसकी सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है, उस दिन सबसे बड़ा दिन होता है इस प्लांट का। तो फ्रेंड्स, उस दिन क्या हुआ था कि भगवान राम ने दशहरे के दिन जो भगवान राम ने रावण का वध किया था, तो उस दिन भगवान राम ने लौटते समय जो है इस शमी प्लांट की पूजा करी थी, इसलिए प्लांट उस दिन इसकी पूजा बड़ी पूजा मानी जाती है। और फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं इस प्लांट की कि हम इसे कितने बड़े पोट में इसे ग्रो करना है। तो फ्रेंड्स, आप देख ही रहे हो, वैसे मेरा छोटा ही पोट है, अभी तो मैं नर्सरी से लेकर आई थी, उसके 8-10 दिन बाद ही मैंने इस प्लांट को ग्रो किया था, रिपोर्ट कर दिया था 8-10 दिन बाद। और फ्रेंड्स, इसको कम से कम 10-12 इंच जो है पोट की आवश्यकता तो होती है बड़े पोट की, क्योंकि जैसे जैसे बड़ा होता है इसकी जड़ें बहुत ज्यादा गहराई तक जाती है। और जैसे बड़ा होगा तो हमें इस पोट को चेंज करना पड़ेगा, दूसरे पोट में रिपोर्ट करना पड़ेगा बड़े पोट में, क्योंकि इसकी जो जड़ें है बहुत ही गहराई तक अंदर तक जाती है। ये बड़ा ही रफ टफ प्लांट है फ्रेंड, एक रेगिस्तानी प्लांट है ये। फ्रेंड्स, मैं इसके वाटर की बात करूं तो हमें इसमें पानी की जो है ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, एक रेगिस्तानी प्लांट है तो इसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। हम इसमें 2 दिन छोड़कर भी इसमें पानी डाल सकते हैं, पर फ्रेंड्स इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हमें गमले को इतना तो खाली रखना है, पूरा मिट्टी से नहीं भरना है, हमें इतना खाली रखना है ताकि हम पानी थोड़ा ऊपर तक डाल सके और वो धीरे धीरे करके पूरी मिट्टी में पानी चला जाए, जिससे पूरी मिट्टी जो है गीली हो जाए और मिट्टी बिल्कुल मॉइस्ट बनी रहे। यहाँ पर अभी बारिश हो रही है फ्रेंड्स, तो ऑलरेडी मिट्टी गीली ही है। और फ्रेंड्स, हमें पानी डालते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जब हम पानी डाल रहे हैं तो पूरी मिट्टी अंदर तक गीली हो, वो पानी बाहर निकल जाए और पूरी मिट्टी अंदर तक गीली हो जाए। तो फ्रेंड्स, और मैं आपको बताती हूँ कि हमें इस प्लांट में सनलाइट की कितनी आवश्यकता है, धूप की। तो फ्रेंड्स, इसे फुल सनलाइट की आवश्यकता है। इसे इस प्लांट को हमें उसी दिशा में रखना है जहाँ पर कि दिन भर की धूप आती हो। हम इस प्लांट को जो है पश्चिम दिशा में भी रख सकते हैं, क्योंकि पश्चिम दिशा में रखना बड़ा ही शुभ माना जाता है। और फ्रेंड्स, अगर हमारे टेरेस पर जिस दिशा में भी धूप आती हो, हम इस प्लांट को उस दिशा में भी रख सकते हैं।
और फ्रेंड्स ऐसे फुल सनलाइट की आवश्यकता है, जहाँ पर मॉर्निंग से लेके 3-4 बजे तक धूप आती हो, ऐसी जगह ही हम इसे इस प्लांट को रखना है, जहाँ पर इस पौधे को जो है 4 से 6 घंटे की धूप मिल सके। और फ्रेंड्स मैं बात करूं मिट्टी की, हमें सोयल कैसे रेडी करना है, तो फ्रेंड्स ये एक रेगिस्तानी पौधा है, तो इस मिट्टी को रेडी करते समय हमें जो है गोबर की सड़ी खाद और थोड़ी सरसों की खली और नीचे जो मूंगफली के छिलके सूखे पत्ते भरते हैं, वो सब भरने के बाद भी फ्रेंड्स हमें जो इसमें मिट्टी में ये जो गोबर की सड़ी खाद ऐड करके और थोड़ी सी हमको बालू रेत भी डालना है इसमें, क्योंकि एक रेगिस्तानी पौधा है तो हमें इसमें थोड़ी बालू रेत भी डालनी पड़ेगी। और फ्रेंड्स इस प्लांट की फर्टिलाइजर की बात करूं तो फ्रेंड्स जब हम मिट्टी रेडी करते हैं तो उसमें ऑलरेडी हम फर्टिलाइजर ऐड करके ही ऐड करते हैं, जिससे हमारा प्लांट अच्छा हेल्दी बना रहे और अच्छे से ग्रो हो जाए। और फ्रेंड्स फिर भी मैं बोलती हूँ कि हमें हमारे हर एक पौधे में 1 महीने में फर्टिलाइजर डालना ही है, मंथ में एक बार तो हमें फर्टिलाइजर बनाकर डालना ही है, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हो, केमिकल फर्टिलाइजर ना हो। तो फ्रेंड्स इस प्लांट के लिए हम जो गोबर के कंडे की जो फर्टिलाइजर बनाते हैं वो बनाकर डाल सकते हैं, और फ्रेंड्स हम वर्मी कंपोस्ट भी इसके लिए बहुत बेस्ट खाद है। तो फ्रेंड्स जो गोबर होता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, तो इस प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, इसमें जो पत्तियां हैं तो इसको नाइट्रोजन मिलता रहेगा, तो हम इसमें जो है गोबर के कंडे की खाद डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें हमें असली पहचान कैसे इस प्लांट की, तो फ्रेंड्स इसकी असली पहचान यही है कि इस प्लांट में इसकी जो है पत्तियां बहुत बारीक होती है, छोटी छोटी सी बारीक बारीक पत्तियां ही होती है इस प्लांट की। और फ्रेंड्स साथ में बारीक पत्तियां होने के साथ साथ इसके हर एक जो पत्तियां निकल रही उनके यहाँ से दो दो छोटी छोटी पत्तियां भी निकलती है, तो ये हमारे जो है हम पहचान सकते हैं कि ये शमी का प्लांट असली प्लांट है। आप देख सकते हो हर जगह से दो दो छोटी छोटी पत्तियां निकल रही है नीचे से, और भी जगह मैं आपको बताती हूँ, ये देखो आप यहाँ पर भी दो छोटी छोटी ऐसे हर जगह से निकलेगी, सभी में से निकलेगी, दो छोटी छोटी पत्तियां निकल रही है, तो हम इस तरह से पहचान कर सकते हैं कि ये जो हमारा असली शमी का प्लांट है। यहाँ भी देख सकते हो फ्रेंड्स इसकी एक और जो पहचान होती है इसके कांटों से होती है, बिल्कुल इसके छोटे छोटे कांटे होते हैं, दबे दबे से कांटे होते हैं, आप देख सकते हो बिल्कुल छोटे छोटे ही कांटे हैं, कांटे तो होंगे पर बिल्कुल छोटे छोटे कांटे होंगे इसमें इस तरह से, तो हम इसके कांटों से भी इसकी पहचान कर सकते हैं। और फ्रेंड्स हम इसके फूलों से भी इसकी पहचान कर सकते हैं, जो इसके फ्लोवर है इन इसमें जो पीले कलर के फ्लोवर आते हैं, तो हम इनके पीले फूल को देखकर भी पहचान सकते हैं कि असली शमिका प्लांट है। फ्रेंड्स इस तरह का प्लांट हमें कहीं बहुत सारी जगहों देखने को मिलता है, जिनमें कांटे भी होते हैं, बारीक पत्ते भी होते हैं, सभी होते हैं, पर हम पहचान नहीं कर पाते कि वो असली शमी है या नकली शमी है। फ्रेंड्स एक और इसमें फ्लोवर आते हैं कि ऊपर पीले कलर के और नीचे पर्पल शेड में रहते हैं, ऐसे मिक्स पर्पल शेड में होते हैं, तो वो जो है असली शमी का प्लांट नहीं होता है। असली शमी के प्लांट में है पीले कलर के ही फूल आते हैं। और फ्रेंड्स ये तो मैं अभी नर्सरी से लाई हूँ और मेरा छोटा प्लांट भी है, जब भी इसमें फ्लोरिंग होगी मैं आपको ये जरूर बताऊंगी। फ्रेंड्स इसकी एक और जो पहचान है वो भी आप देख लीजिए। फ्रेंड्स शमी के प्लांट की एक और पहचान है कि जब सूर्य अस्त होता है और शाम ढलने लग जाती है तो फ्रेंड्स ये अपनी पत्तियों को इस तरह से बंद कर लेता है, जैसे कि छुमी का पौधा होता है और हम उनकी पत्तियों को टच करते हैं शर्मा जाती है और बंद हो जाती है, पर इसमें हमको कोई बंद नहीं करना है, कोई टच नहीं करना है, ये जैसे ही शाम होगी और अपनी पत्तियों को इस तरह से बंद कर लेता है, और जैसे ही मॉर्निंग में 6-7 बजे सूर्य उदय होगा, उदय होने के बाद 6-7 बजे जो है ये अपनी पत्तियां वापस से खिल जाएगी। तो फ्रेंड्स हम ऐसे भी पहचान सकते हैं इस प्लांट को कि ये इसकी पत्तियां शाम को अगर बंद हो जाती है तो इस असली शमी का ही प्लांट है। और फ्रेंड्स अभी जो है 6-7 बज रही है और मैंने अभी ही इसको पहचान के लिए अभी इसकी जो है आपको टॉर्च लगाकर बता रही हूँ कि इसमें जो आप देख सकते हो इसकी पत्तियां किस तरह से मुरझा रही है।